हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आलू मटर बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करी है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी, तेल जब तक गर्म होता है। ये मैंने प्याज लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट बना के रखा है पीस के और भून के। ये मटर लिए हैं 1 बाउल और ये आलू छील के धोते रखे हैं। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और थोड़ी सी हींग। अब ये जो मसाला मैंने पीस के भून के रखा है, इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको फ्रेंड सिंपल मिक्सी में पीस के और 1 चम्मच ऑयल में मैंने इसको टाइम बचाने के लिए इसको भून के रख दिया है। इसमें मेरा टाइम सेव हो जाएगा बहुत। जो भूनने का प्रोसेस है बस सिर्फ वही किया है मैंने, सब चीज़ों को ग्राइंड कर दिया एक साथ, थोड़ा सा बॉईल करके और ग्राइंड करके रखा है। अब हमको इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, या आप 2-4 दिन का भून के भी रख सकते हैं एक साथ पीस के, जिस दिन आपके पास टाइम हो, तो अपना बहुत टाइम सेव हो जाता है। अगर आप जॉब वगैरह में जा रहे हैं तो एक दिन संडे के दिन इसको ऐसे मसाले को सबको पीस के और भून के रख लीजिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी स्वाद के अनुसार। नमक स्वाद के अनुसार, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी। ये बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये मैंने मटर वॉश करके रखे हैं, इनको डाल देती हूँ। ये सफल के मटर हैं। अभी आलू धो के रखे हैं मैंने काट के, अब इनको डाल देती हूँ। इसमें आप चाहे तो अपने हिसाब से और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, गरम मसाले और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। अब आपको जितनी तरी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। मेरे को ज़्यादा तरी नहीं चाहिए, मैं लटपटे बनाने वाली हूँ इसको, साथ में पूरी की तैयारी करूँगी। कुकर बंद करके इसमें सिर्फ 2 सीटी लगवाऊंगी, जब तक ये हमारा ये होता है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। इनको साइड में डाल के अब फ्रेंड्स, मैंने ये आटा लिया है पूरी के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा मोयन डालूंगी, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च,
थोड़ा सा सूखा धनिया, बस यही मसाले डालूंगी मैं इसको हटा लेती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने बीटरूट को बॉईल करके और इसकी प्यूरी बना के रखी है। अब मैं ये बीटरूट की पूरी बनाने वाली हूँ आज, तो मैं इसके लिए धीरे धीरे इसमें आटे में ये पानी डालूंगी बीटरूट वाला। इससे हमारी पूरी का रंग जो है वो लाल हो जाएगा, जैसे हरी पूरी बनती है पालक की, वैसे आज मैं बीटरूट की बनाने वाली हूँ। थोड़ा चेंज कर दिया। मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंद चुका है बीटरूट वाला। तो मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसको रेस्ट के लिए रख देती हूँ। बस ये सीटी आएगी हमारी, तब तक के लिए वेट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें एक सीटी आ चुकी है, मैं बंद कर देती हूँ इसको। दूसरी सीटी आ गई है। ये हमारा आटा गूंथ के रेडी है पूरी के लिए। अभी मैं थोड़ी देर में आपको खोल के दिखाती हूँ इसको, सब्जी को। ये देखिए फ्रेंड्स, बस हमारी सब्जी रेडी है आलू मटर की। अब इसको भी मैं बाउल का निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया इसमें। अगर आपको पसंद आए तो आप भी बनाइए और लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।